When 1 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitance of the two conductor system. Student, ye question kaha raha hai ki aapke paas do conductor hain aur isme se ek conductor mein se 10 to the power 12 electrons ko transfer kar diya jata hai dusre conductor mein. To bhai isse jab electron niklega n number of isko small n agar likhte hain to isme kitna charge aa jayega? प्लस एन ई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला है ठीक है, और इसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा माइनस एन ई. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला फॉर्मूला, कितना चार्ज आ जाता है क्यू इक्वल्स टू एन ई. अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है पॉजिटिव चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इसमें गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया ठीक है. चलिए अब ये जो चार्ज अपीयर हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के चलते, तो इसके चलते क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि दोनों कंडक्टर के बीच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है इसका पोटेंशियल V2 है, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये V1 माइनस V2 इसको अगर V लिखते हैं, इसका वैल्यू है आपको दिया होगा 10 वोल्ट, ये इतना 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. तो स्टूडेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो टू कंडक्टर सिस्टम है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा. स्टूडेंट आप समझ सकते हैं टू कंडक्टर सिस्टम मतलब सिंपली हम इसे कैपेसिटर भी कहेंगे. कैपेसिटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर. अपोजिट नेचर का चार्ज होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए और सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस. तो मतलब एक लाइन में कहें कि हम लोगों को ये जो टू कंडक्टर सिस्टम है या कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस या कैपेसिटी का वैल्यू निकालना है. तो स्टूडेंट हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी तरह का कैपेसिटर हो चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो चाहे वो स्फेरिकल कैपेसिटर हो, हमारे पास एक जनरल रिलेशन होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको फ्रिक्वेंटली याद रहना चाहिए. तो यहाँ से स्टूडेंट इनफैक्ट हम लोगों को जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर का वैल्यू पता है तो q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. ये q हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज दी चार्ज ऑन कैपेसिटर, या तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कहिए या क्वेश्चन के लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं चार्ज ऑन टू कंडक्टर सिस्टम एंड इट्स वैल्यू विल बी एन ई. क्लियर है, तो n का वैल्यू पता है, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वैल्यू पता है, तो q का वैल्यू पता है, V का वैल्यू पता है 10 वोल्ट, तो यहां से हम C का वैल्यू निकाल सकते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V, Q इक्वल्स टू एन ई V. N का वैल्यू है कितना स्टूडेंट, यहाँ पे N का वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड V पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट. ध्यान दीजिएगा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही उस कैपेसिटर का या टू कंडक्टर सिस्टम का पोटेंशियल होता है, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन, दिस इज 10 वोल्ट. और बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट्स वैल्यू विल बी 1.6 12 माइनस 19 माइनस 7 10 टू द पावर माइनस 8 एंड दिस विल बी फैराड. फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर.